अगर कोई भी कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया जाएगा, चाहे कोई पार्टी की सरकार उठाए, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे। और पार्टी से ऊपर उठ के कोई अच्छा काम होता है, देश के लिए काम होता है, हम साथ देते हैं। स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं खुद झाड़ू लेके उस दिन निकला था, मैंने तारीफ की थी प्रधानमंत्री जी की। सर्जिकल स्ट्राइक्स किया उन्होंने, मैंने तारीफ की थी, सल्यूट किया था प्रधानमंत्री जी को। मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के चलाया था, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखें, मैंने सल्यूट किया था प्रधानमंत्री जी को। अभी परसों जो कहा गया कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, और ये बंद करने से काला धन और भ्रष्टाचार कम होगा, मैंने दो दिन तक कुछ नहीं बोला। मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं समझना चाह रहा था। मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, कई लोगों से बातचीत की इन दो दिनों के अंदर कि आखिर ये है क्या। बहुत लोगों से, आम लोगों से भी बात की, मेरे को एक सीधी सी चीज समझ नहीं आ रही। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करके 2000 रुपए के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करके 2000 रुपए के नोट लाने से काला धन कैसे कम होगा? ये बात मेरी समझ के परे है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर रहा हूं, बस, पूरी तरह से मैं साथ देता, हम साथ देते पूरी तरह से उनका। लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करके 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। अगर किसी को 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी है, 1000-1000 के 100 नोट ले जाता है, अब अगर उसे 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी है तो उसे 100 नहीं 50 ही नोट ले जाने पड़ेंगे। तो आपने भ्रष्टाचार करना आसान कर दिया। ये तो भ्रष्टाचार कम कर रहे हो कि भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहे हो? अभी तक मान लो किसी के घर में 100 करोड़ रुपया पड़ा था, 500-500 के नोट पड़े थे, अब आपने उसको 2000 रुपए के नोट दे दिए, तो वो तो उसी में 4 गुना नोट रख लेगा। आप काला धन कम कर रहे हो, उतनी जगह में वो तो 4 गुना नोट रख लेगा, तो आप तो काला धन बढ़ाने को प्रोत्साहित कर रहे हो लोगों को। तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। लोगों के पास दूध खरीदने को पैसे नहीं है, दूध बेचने वाला दूध नहीं बेच पा रहा, सब्जी बेचने वाला सब्जी नहीं बेच पा रहा, दवाई बेचने वाला दवाई नहीं बेच पा रहा, और लोग खरीद नहीं पा रहे। सारे देश के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। एक चीज तो सब लोग जान मानते हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया मैनेजर हैं। अगर वो चाहें तो कुछ भी चीज को बढ़िया मैनेज करते हैं। इसको उन्होंने मैनेज क्यों नहीं किया ठीक से? इसके पूरी प्लानिंग करके मैनेज क्यों नहीं किया? मान लो जैसे आज कई लोग मेरे को कह रहे थे, जी 20 दिन पहले से बिना बताए, चलो वो बताना नहीं चाहते थे, सारे ATMs के अंदर अगर 100-100 नोट के नोट डाल देते तो जनता के हाथ में 100-100 के नोट आ जाते। बहुत सारी प्लानिंग की जा सकती थी, बिना बताए प्लानिंग की जा सकती थी, क्यों नहीं की? तो एक मन में शक ये पैदा हो रहा है कि पूरा जो क्राइसिस है, पूरी जो अफरा तफरी है, मार मची हुई है देश के अंदर, जो लोगों को तकलीफ हो रही है, कहीं ये जानबूझ के तो नहीं की जा रही चारों तरफ? और इस बात के सबूत भी हैं, चारों तरफ एक ये लोगों में चर्चा है कि जो इनके अपने लोग थे, इनके अपने करीबी लोग थे, उनको इन्होंने पहले से बता दिया था, 10 दिन पहले से बता दिया था कि भाई ऐसा होने जा रहा है, तुम अपना अपना पैसा ठिकाने लगा लो। तो जो इस देश के जो सबसे बड़े कालाबाजारी थे, जिनके पास सबसे बड़ा ज्यादा भ्रष्टाचार का पैसा था, उनको 10 दिन पहले बता दिया था, उन्होंने ठिकाने लगा दिया, या तो देश के बाहर भेज दिया पैसा, और या फिर इन्होंने जमीन खरीद ली, कुछ और खरीद लिया, नोट अपने खत्म कर दिया, कैश खत्म कर दिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जहां जहां चुनाव लड़ रही है, वहां सब जगह बीजेपी का इंतजाम हो गया है, वहां इन्होंने अपना इंतजाम कर लिया। अब आम आदमी जो है वो पिस रहा है पूरे देश के अंदर। कल
कई लोगों से बात हुई, आज भी कई लोगों से बात हुई, लोग बता रहे हैं जी जो काला बाजार करने वाले हैं मार्केट के अंदर, जिनके पास 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ घर में अगर पड़ा भी होगा कैश, उनसे कुछ लोगों की बातें हुई होंगी। लोग बता रहे हैं कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है, वो कह रहे हैं जी सब सेटिंग हो गई है, दलाल सारे फिक्स हैं, होम डिलीवरी होगी, 2000 रुपए का नोट आ गया मार्केट में, अब होम डिलीवरी होगी, कमीशन लगेगी थोड़ी सी, मतलब किसी का 100 करोड़ है तो 100 करोड़ के बदले में 80 करोड़ उसको 90 करोड़ मिल जाएंगे, तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर कमीशन खोरी होने वाली है। तो ये जो कई लोग, कुछ लोग के मन में वहम है, मैं जैसे कुछ लोगों से पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं हाँ जी तकलीफ तो है थोड़ी, लेकिन देश का तो फायदा होगा, कालाबाजारी तो बंद होगी। अगर ये सब होने वाला है तो कौन सी कालाबाजारी बंद हो रही है? जितने बड़े बड़े कालाबाजारी करने वाले हैं उनके तो होम डिलीवरी होके नए 2-2 हजार के नोट उनके घर पहुंच जाएंगे, पुराने नोट बाहर निकल जाएंगे और उनको कमीशन, कमीशन खोरों को कमीशन मिल जाएगी, और कमीशन खोरी शुरू हो गई है। बता रहे हैं 1000 1000 के नोट 800 800 रुपए में बिक रहे हैं, 500 500 के नोट 400 400 रुपए में बिक रहे हैं, पूरे बड़े स्तर पर कमीशन खोरी शुरू हो गई है, सोने का धंधा शुरू हो गया। जिस दलाली को रोकने का आप बहाना बना रहे थे, जिस दलाली को आप रोकने चले थे, जिस कालाबाजारी को आपने रोकने चले थे, वो तो नोटों के अंदर ही कालाबाजारी शुरू हो गई, सोने के अंदर ही कालाबाजारी शुरू हो गई, कहां की कालाबाजारी रुक रही है? तो ये शक हो रहा है मन में कि ये करा क्यों है, क्यों किया ये सब? जेटली जी ने कल एक टीवी इंटरव्यू में बोला कि इस पूरे कदम से बेईमान लोग बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी हैं, ईमानदार लोग बड़े खुश हैं, ईमानदारी का फायदा मिल रहा है। कल मैंने देखा शरद पवार जी बड़े खुश थे, और वो बनावटी खुशी नहीं थी, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री जी के ऐलान का कि बहुत बढ़िया ऐलान है, उनकी चेहरे से, उनकी शरीर से खुशी टपक रही थी। येडियुरप्पा जी बहुत खुश थे, सुभाष चंद्र जी बड़े खुश हैं, ये बादल बहुत खुश हैं, और दुखी कौन है? ऑटो वाला दुखी है, रिक्शा वाला दुखी है, हर घर के अंदर गृहिणी दुखी है, हाउसवाइफ दुखी है, व्यापारी दुखी है, किराने वाला दुखी है, मजदूर दुखी है, किसान दुखी है। तो कौन बेईमान है? ये सारे बेईमान है। किसान हमारा देश का बेईमान है, हमारा व्यापारी बेईमान है, हमारा किराने वाला बेईमान है, और जो उनके दोस्त हैं वो सारे ईमानदार हैं। जेटली जी ने आज कहा एक टीवी इंटरव्यू में, किसी ने उनसे पूछा शादी ब्याह जिन जिन के घर हो रहे हैं उनके तो रिश्ते टूटने की नौबत आ गई है, टेंट वाला पैसे मांग रहा है, कैश मांग रहा है, क्रॉकरी वाला कैश मांग रहा है, कहां से लाएं पैसे? सबने पैसे इकट्ठे कर निकलवा के 500 500 1000 1000 के नोट रख रखे थे, सारे बेकार हो गए, कहां से लाएं पैसे? बैंक में जाते हैं 4000 रुपए दे रहे हैं, 4000 रुपए में बेटी की शादी होती है। तो किसी ने आज पूछा उनसे, जेटली जी से, कि क्या करें? तो कह रहे हैं चेक में पेमेंट करो। मैं जेटली जी से पूछना चाहता हूं, अभी उनकी बेटी की शादी हुई थी थोड़े दिन पहले, जेटली जी बताएं उन्होंने क्रॉकरी वाले को कैश में पेमेंट करी थी क्या, या चेक में पेमेंट करी थी? टेंट वाले को चेक में पेमेंट करी थी क्या? जेटली जी कह रहे थे, किसी ने पूछा जी शगुन के पैसे आते हैं उसमें लिफाफे में, बोले चेक में दे दो। मैं जेटली जी से पूछना चाहता हूं जितने शगुन के पैसे आए थे कितने चेक में आए थे? तुम तो करो कैश में पेमेंट और सारी जनता करे चेक में पेमेंट, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देश के अंदर मेहनत से आम आदमी ने पैसे कमाए थे, आज आप फोटो देखो जो जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं, बैंकों के बाहर जो लाइन लगी हुई है, अडानी खड़ा है बैंक के बाहर, अंबानी खड़ा है बैंक के बाहर, अमीर लोग खड़े हैं बैंक के बाहर, कौन खड़ा है बैंक के बाहर? आम आदमी खड़ा है। तो काला पैसा उनके पास है, उनकी सबकी 20 20% से उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई है, 10 हजार रुपए लेके मार्केट में जा रहे हैं, 8 हजार रुपए मिल रहे हैं उसके, क्या कसूर था इनका? बड़ी मेहनत करके पैसे कमाए थे लोगों ने, आपने एक बारी में उनकी सबकी ऐसी तैसी कर दी, क्या कसूर था उन लोगों का? काला पैसा तो नहीं आया, सारे काला पैसा तो बाहर नहीं आया, वो तो सारे खुश हैं, आम आदमी बेचारा मर गया।
प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था 22 दिसंबर 2013 को, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा था, 2013 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसमें उन्होंने कहा था देश का बच्चा बच्चा जानता है कि काला धन स्विस बैंकों के अंदर है, देश का बच्चा बच्चा जानता है काला धन कहाँ है, काला धन स्विस बैंकों के अंदर है, ये मोदी जी ने खुद कहा था। तो अगर बच्चा बच्चा जानता है, प्रधानमंत्री जी जानते हैं, तो फिर इस देश के लोगों को क्यों दुखी कर रखा है? अब तो आप प्रधानमंत्री जी बन गए, अब बदल क्यों गए आप? प्रधानमंत्री बन के बदल गए? अगर स्विस बैंकों के अंदर पैसा है तो इस देश के लोगों को क्यों दुखी कर रखा है? स्विस बैंकों से पैसा क्यों नहीं लेके आते आप? स्विस बैंकों की एक लिस्ट आई थी 2011 में, 648 लोगों की लिस्ट थी, उसमें इस देश के सारे बड़े बड़े लोगों के नाम थे, मैंने देखी थी वो लिस्ट। उसी में से, उसी लिस्ट के अंदर से मैंने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनकी माताजी का और भी कई लोगों के नाम, उनके उनके सबके नाम और उनके बैंक अकाउंट नंबर उसी लिस्ट में से निकाल के मैंने जनता के सामने रखे थे। उन 648 लोगों के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कांग्रेस मिली हुई थी उन लोगों के साथ। अब मोदी जी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे उनके खिलाफ, कहते हैं बच्चा बच्चा जानता है स्विस बैंकों में। उन 648, आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, आज शाम तक उन 648 लोगों को जेल भेज दो, देश के अंदर काला धन बंद हो जाएगा। ये 500 1000 रुपए के नोट करने से बंद नहीं होएगा, बेवकूफ बना रहे हो आप देश के लोगों को। आज 648 लोगों को आप जेल भेज दो, देखो काला धन बंद नहीं हो जाए तो। आप नहीं करोगे क्यों? उनमें बहुत सारे आपके दोस्त हैं, मुकेश अंबानी जी आपके दोस्त हैं। मुकेश अंबानी जी का जब रिलायंस जियो निकलता है तो आप उनका एडवर्टाइजमेंट करते हो, उनसे दोस्ती है आपकी, आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते आप कहते हो आपके अफसर टीवी में आके धमकी दे रहे हैं लोगों को, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जो जमा कराएगा उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा और 200% पेनल्टी भी लगेगी। एक रिक्शा वाला है जी, 10 साल तक, एक किराने किराने की दुकान वाला है, सदर बाजार में किसी की दुकान है, एक गृहिणी है, 10 साल तक, 12 साल तक उन्होंने थोड़ा 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 पैसा जमा कर करके 6 लाख रुपए जमा कर लिए, 10 लाख रुपए जमा कर लिए, बेटी की शादी में होता है, 10 लाख रुपए जमा कर लिए उसने बेटी की। अब आप कह रहे हो वो 10 लाख रुपए तो हो गए बेकार, 1000 1000 के नोट में थे, घर में रख रखे थे उसने, घर में जमा करती थी। अब वो जाके जब बैंक में जमा कराएगी तो आप उसकी 30% टैक्स लोगे और 200% पेनल्टी, 90% उसका खत्म कर दोगे आप। मोदी जी काला धन तो नहीं लाए आप? ये जितना नाटक चल रहा है मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं। कुछ लोगों को गलत फहमी ये है कि काला धन बाहर निकलेगा, देश का फायदा होगा। जितने लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए में काला धन है, उनकी सबकी सेटिंग हो चुकी है, उनकी होम डिलीवरी होने वाली है, उनकी सबकी, ये जो मरेंगे ये हम सारे जने मरेंगे, काला धन इनको अपने हमारे घरों में नजर आ रहा है, गृहिणियों के घरों में, गरीबों के घरों में, ये लंबी लंबी लाइन लगी है, इनमें कोई बड़ा आदमी आपको दिखाई दे रहा है? जिन लोगों के घरों की शादियां टूट गई, अभी अभी खबर आई तेलंगाना के अंदर किसी ने आत्महत्या कर ली है, उत्तर प्रदेश में कल एक औरत की मौत हो गई सदमे से, एक बच्चा मर गया कल अस्पताल के अंदर, उसका इलाज नहीं हुआ। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा मोदी जी।